मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल देर रात हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद गिरफ्तार किया गया। पूरी रात वो आपको बता दें ईडी कस्टडी में रहे। फिलहाल दिल्ली की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आधी रात से ही आपको बता दें राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और सीधे क्या कुछ रिपोर्ट आई है, सबसे पहले अपने जो सहयोगी हैं हमारे सहयोगियों की वो रिपोर्ट देखिए आप। सबसे पहले अगर बात करें सारे नेताओं की तो कल उनके खुद की पार्टी के कई नेता पहुंचे थे। आज की तस्वीरें जो हैं वो थोड़ी अलग है। फिलहाल यहां पर सन्नाटा है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है अनलेस एंड अंटिल उनके पास अंदर जाने का कोई पास हो, कोई परमिशन हो, कोई लेटर मौजूद हो। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। फ्रंट गेट के साथ साथ बैक गेट जो है उसे भी बंद किया गया है। और देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके के प्रोटेस्ट की घोषणा की गई है उसके बाद से हर राज्य में पुलिस द्वारा अलर्ट लगाया गया है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम लीगल एड की बात करें, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण दिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, तो जो ग्राउंड्स हैं खास तौर पर पांच वो ग्राउंड जिसके आधार पर ईडी ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को, वो पांच ग्राउंड जल्द से जल्द अपने दर्शकों को बताते हैं। पहला ये कि ईडी की जांच के सामने आया है कि प्रोसेड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचे, तो ये कैसे पहुंचे, किसके हवाले से पहुंचे। दूसरा कि आबकारी घोटाले के आरोपी इंडोस्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंदू ने ये जानकारी पूछताछ में बताई है कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर को भी अरविंद केजरीवाल द्वारा इंट्रोड्यूस करके ये भी बताया गया कि ये हमारे आदमी यानी कि फ्रंटमैन के तौर पर उनको भी रखा गया। और नई आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग भी हुई थी, तो इस मीटिंग में कौन कौन शामिल थे, केजरीवाल के घर पर ही आवास स्थान पर मीटिंग क्यों की गई। और इसी के अलावा कैबिनेट की मीटिंग जो आबकारी नीति बनाने के लिए बुलाई गई थी वो मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें प्रॉफिट जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 6% का था, जिस पर अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के बाद उसे इस पूरी पॉलिसी में जो मुनाफा है वो 12% का किया गया। तो ये सब कुछ यानी कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी के अंतर्गत हो रहा था और इसीलिए इन्हीं ग्राउंड्स के आधारों पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जो कि आज रिमांड मांगने के दौरान भी ईडी कोर्ट के समक्ष रखेगी जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा।